आज की कहानी है अपने बच्चों का प्यार। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। रात के 2 बज रहे थे। बेटे का दूसरा दिन पेपर था, वो पढ़ाई कर रहा था। मैं चुपचाप सोफे पर बैठी उपन्यास पढ़ रही थी। तभी मेरे पति, जो करीब 2 घंटे पहले सो गए थे, उठकर बाहर आए। मुझे बेटा देख उन्होंने पूछा, क्या बात है, क्यों जाग रही हो? मैंने बेटे के कमरे की ओर इशारा किया। सर सभी पढ़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, अरे उसकी पढ़ाई खत्म होगी तब सो जाएगा, तुम क्यों जाग रही हो? वो जगा रही और मैं सो जाऊं? अब वो भी सोई गई तब मैं भी उसके साथ ही सो जाऊंगी। मेरे पति ने कहा, मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आती, और कमरे में सोने चले गई। मैं मुस्कुराती हुई सोचने लगी, आप कैसे समझेंगे, आप माँ थोड़ी हैं। बच्चों के साथ जागने की शुरुआत तो तभी हो गई थी जब मेरी बेटी श्रेया का जन्म हुआ। माँ बनने के सुखद अनुभव के साथ ये भी एहसास उसने कराया कि अब मैं जब चाहूँ तब सो सकती, मुझे उसकी नींद से जागना और सोना होगा। श्रेया दिन भर आराम से सोती और रात होती उसकी आंखें खुल जाती। फिर अगर कहीं मेरी आँख लग गई तो वह इतना जोर जोर से रोती कि सुबह पड़ोसी पूछने लगते कि क्या बच्ची की तबीयत खराब है। अब उन्हें कौन बतलाए कि जब सबके सोने का समय होता है तब मेरी देवी जी खेलने के मूड में होती है। बेटे का हाल कुछ अलग था, वो भी रात में जागता पर रोता नहीं था। मुझे सोया देख इतने जोर से पैर मारता कि नींद ही खुल जाती। दोनों बच्चे अगर बीमार पड़ते तो रात भर जाकर मैं उसकी देखभाल करती थी। पता नहीं और बच्चे डायपर कैसे पहन लेते। मेरे बच्चों को डायपर से इतनी एलर्जी थी कि अगर रात में पहना दो तो तब तक रोते रहते थे जब तक खींच कर खोल दो ना दो। फिर तो रात भर यही देखते रहो कि कहीं कपड़े तो गीले नहीं हो गए। सुबह होती दोनों घोड़े बेस कर सो जाते। मैं तो इस रत जगे की आदी तभी से हो गई जब ये बड़े हुए और स्कूल जाने लगे। तब मैं इनको समय पर सुला लेती, फिर सबका काम खत्म कर सोती और 5 बजे उठ जाती। फिर स्कूल की तैयारी, कितने पापड़ बेले हैं, इन्हें वक्त पर सुलाने और उठाने के लिए अपना सोने का कोई टाइम नहीं होता था। यही सिलसिला कितने वर्षों तक चलता रहा। अब बच्चे बड़ी हो गए, पहले बेटी फिर बेटा बाहर पढ़ने चले गए, पर उनकी अलार्म घंटी अभी मैं ही हूँ। आज भी सुबह उठाने का काम मेरा ही। पति जे रोज डांट पड़ती है, क्यों उन्हें छोटा बच्चा बना रखा है, खुद से उठ नहीं सकते, क्या आदत बिगाड़ दी है तुमने। जब तक वो सो नहीं जाते तब तक जगी रहती और सुबह उठती फोन मिलाने लगती, अलार्म लगाकर सोने को क्यों नहीं कहती। मैं सिट कर बोलती हूँ, मुझे तकलीफ नहीं होती, तब आपको क्या प्रॉब्लम है? सच बात ये है कि इस तरह मैं अभी भी उनसे जुड़ा हुआ महसूस करती। अभी कुछ दिन पहले की बात है, बेटे का एग्ज़ाम था और वो मोबाइल ही नहीं उठा रहा था। मैंने बहुत फोन लगाया पर कोई जवाब नहीं दिया। मुझे तो लगा अब एग्ज़ाम छूट ही जाएगा। अंत में हॉस्टल वार्डन को फोन मिलाया, तब तक बेटा उठा। मैंने गुस्से में उसे बोला, क्या बेटा आज अगर मैं नहीं उठाती तो? उसने बड़े प्यार से कहा, कैसे नहीं उठाती, तुम मेरी मम्मा हो ना, मैं हमेशा सोचती हूँ कि एक जरा सी नींद खोकर कितना कुछ पाया है मैंने। अपने बच्चों का प्यार समान और सबसे बढ़कर उनका ये विश्वास कि अगर वो सोए भी हैं तो मैं उन्हें वक्त पर उठा दूँगी, ये एक विश्वास उन्हें सेन की नींद सोने देता है। किसी ने ससी कहा है, भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ बनाई। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? देखते देखते बच्चे बड़े हो जाते और फिर हम उनसे जुड़े रहने का बहाना ढूंढते। एक माँ तो अपने बच्चों के लिए सब कुछ नयो सावर कर देती है, फिर नींद क्या चीज।